फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं माओशीन आज फिर एक नई विधि के साथ। आज की हमारी विधि अगेन फिर से बड़ी इंटरेस्टिंग सी विधि है। इस विधि में आपको कुछ पल के लिए ऐसे हो जाना है जैसे आप है ही नहीं, एब्सेंट हो जाना है बिल्कुल, एज इफ यू आर नॉट देयर। बड़ी आसान, बड़ी सिंपल, बड़ी ही छोटी सी विधि है ये। क्या करना है इसके लिए आपको? आपको किसी पेड़ के नीचे, किसी प्लांट के पास, कहीं भी बैठ जाना है, कंफर्टेबली, आराम से आपको बैठ जाना है। फिर अपनी आंखें बंद कर लेनी है, आंखें बंद कर लेनी है, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, और फिर उसके बाद आपको इसी मोमेंट में, इसी पल में हो जाना है। मतलब आपको ना तो अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। आप बिल्कुल राइट नाउ इसी पोजीशन में, इसी पल में, यहीं पर हो जाइए। आप देखेंगे कि जब आप बिल्कुल इस पल में हो जाते हैं तो ना तो आप, मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, हर टाइम ज्यादातर लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो वो क्या सोचते रहते हैं, या तो हम पास्ट की जो बातें हैं जो हो चुकी हैं, कुछ अच्छी हो गई हैं, कुछ बुरी हो गई हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, कोई बहुत पेनफुल हो गई हैं, कुछ भी, तो उनको रिकॉल करते रहते हैं। कभी उनको याद करके खुश होते रहते हैं, कभी दुखी होते रहते हैं, कभी रिपेंट करते हैं मैंने ये क्यों कर दिया, कभी लगता है कि मैंने ये बहुत अच्छा कर दिया, मतलब पास्ट में चलता रहता है। या फिर हम हर टाइम फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, अपने प्लान्स बनाते रहते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये तो मुझे कर ही लेना है। मतलब इधर जो है, हम या तो पास्ट में होते हैं या फिर हम फ्यूचर में होते हैं, या अतीत में होते हैं या भविष्य में होते हैं, उसी में सारा माइंड हमारा चलता रहता है और उसी से सारी ईगो आती है। अगर हम बिल्कुल इसी पल में, इस जगह, इस मोमेंट में हो जाएंगे तो आप देखेंगे वर्तमान में ईगो कहाँ है, हम बस हैं, बात खत्म, इतनी सी बात है। तो आपने अतीत और भविष्य को छोड़कर इसी पल में हो जाना है। पहली बात तो ये है, आंखें बंद करके कंफर्टेबली आप बैठ जाएंगे, अतीत भविष्य को छोड़कर आप इसी पल में हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे इसे, आप फील करेंगे आधे सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए, जस्ट आप ये फील कीजिए कि आप हैं ही नहीं, इस पल में भी नहीं है, आप हैं ही नहीं, आप फॉर द टाइम बीइंग आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, पारदर्शी हो गए, आप है ही नहीं, मतलब एब्सेंट है यहाँ पर। और देखिए जरा ध्यान से, सारी दुनिया कितने अच्छे से चल रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक दिन तो ऐसा होगा जब हम नहीं होंगे। बहुत से लोग आए गए, हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे, कोई दिन तो ऐसा होगा। खैर, आप ये सोचिए इस मोमेंट में कि आप हैं ही नहीं, और आपके बिना ये दुनिया कितनी अच्छी चल रही है, सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है। अगर आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, ज़्यादा इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे कि ये दुनिया आपके बिना भी अच्छी चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है, तो क्या होगा, एक दरवाज़ा और खुलेगा हमारे लिए। जो हमारे होने से हो रहा है, जो हमने अब तक जाना ही नहीं है, वो द्वार हमारे लिए खुलता है। अगर हमारे ना होने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे होने से कुछ फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। वो पता लगेगा जब हम ये एक्सपीरियंस, ये हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि हम नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए हम एब्सेंट होंगे, तो हमें वो चीज़ का एहसास होगा जो हमने जाना ही नहीं। इसको आप दिन में कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, 24 घंटों में 2 बार 5 बार 6 बार, जैसे आपको अच्छा लगे, सिर्फ एक सेकंड के लिए, आधे सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं आप। बिल्कुल ज़रा सा कीजिए, एक पल को सोचिए कि आप नहीं हैं, और देखिए फिर दुनिया कैसी चल रही है, फिर वो रास्ता, फिर वो द्वार खुलना शुरू होता है, फिर आप साक्षी होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पता चलेंगी, एक्सपीरियंस होगा जो हमें अब तक पता नहीं थी, वो पता चलेगा जो हमारे होने से होता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है मेरे से शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए मुझे, और कोई बात आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल फिर एक नई विधि के साथ आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक अपना ध्यान रखिए और ध्यान करते रहिए। थैंक यू।